हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। हम सब बढ़िया हैं, आशा करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। अभी टाइम हो रखा है 10:30, हाँ 10:30 होने वाला है, 10:25 हो रखा है। तो अभी अभी यहाँ पे गाना गा रखने का स्टार्ट किया मैंने व्लॉग, फिर मुझे ध्यान आ रहे हाँ कॉपीराइट आ जाएगा, फटाफट बंद करो। तो वीडियो मैंने कल रात एडिट कर दी थी, कल रात एडिट करते हुए फिर मुझे नींद आ पड़ी, तो फिर सुबह पोस्ट की, पोस्ट हो गई थी सुबह। ज़्यादा सुबह सुबह ना नेट अच्छा चलता है, सुबह और रात के टाइम पे ना नेट बहुत इतनी तेज भागते हैं ना, अच्छा क्या बहुत ही तगड़ा चलता है। अभी खाना खाते हैं, खाने में अपना है फेवरेट चने की सब्जी, चने की दाल जो भी कहना चाहो, आलू चने की सब्जी हुई फिर रस वाली, तो उसके साथ चावल, जो मजा आता है ना साथ में कद्दू की सब्जी, मजे आते हैं। तो भाई मेरे को अर्जेंट जाना पड़ रहा है पापा की शॉप पे, क्योंकि पापा मेन चीज भूल गए हैं, चाबी ले जाना भूल गए ताले की। क्या यार पापा दुकान पहुंच गए, वहां से कॉल करते कि चाबी ले आ, चाबी ले, चाबी भूल गया मैं। पापा पहले कह रहे थे आधे रास्ते तक मैं आता हूँ, मैंने कहा वापस कहाँ होगी इतनी चढ़ाई, ये देखो चाबी भूल गई। हम को चाबी देके आनी है उनकी शॉप पे, धारानौला जाना है इतनी दूर, गाड़ी भी नहीं देने जाता हूँ, पूछ लिया मैंने और कुछ तो नहीं है। अब इतनी दूर मन नहीं कर रहा है जाने का, अब जाना तो है अर्जेंट। तो अभी अपन जाएंगे जो पीछे शिव मंदिर है ना हमारा, यहाँ से नीचे को जो जाता है शॉर्टकट, वहाँ से यहाँ की जो जगह है, यहाँ जो जाते हैं KKJ है यहाँ का नाम, पहले मैंने व्लॉग में दिखा चुका हूँ ये जगह, हर जगह मतलब यहाँ शॉर्टकट बहुत है, तो अपन तो शॉर्टकट जाते हैं। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा ना शॉर्टकट से, इसी दिन जाते 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 मैं नीचे रोड में पहुँचूंगा, क्योंकि हमको जो जाना है ना नीचे साइड जाना है, नीचे मेन रोड है ना जो वहाँ, तो नीचे 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 जहाँ जहाँ से शॉर्टकट मिला वहाँ से निकल तो मैं यहाँ से आता हूँ। पर यहाँ एक चीज़ रहता है ना कि बंदर होते हैं, अगर पापा से पूछ रहे, पापा कहते उस समय बंदर नहीं थे, बंदर हुए तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा यार, मुझे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदर मतलब इतने सैकड़ों की तादाद में रहते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा बंदर रहते हैं क्या ही बताऊँ, बता नहीं सकता। ऊपर से बच्चे बच्चे लेके आते हैं तो फिर तो और बेकार हो जाता है, फिर तो काट नहीं आते, तो खाली उनके बीच में फंसने से अच्छा वापस आना पड़ेगा। पर बंदर ना हो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, आशा मैं आजकल बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में आशा नहीं है यार, पर कोई क्या करें, कोई नहीं, तो चलते हैं फटाफट। तुम ऐसा सोच रहे हो कि व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, लेट हो रही, पर फटाफट जा रहा हूँ, उसी के साथ व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, सबके लिए करना है, पापा के लिए भी चाबी लेके जानी है, साथ में तुम्हारे लिए व्लॉगिंग भी करनी है, कोई नहीं, सब करेंगे, सब करेंगे। यही है वो जगह जिसका नाम है KKJ, देख लो रास्ता कैसे, बाप रे कीचड़ हो रखा पूरा। तो यही इसी होगा नाम, मैं कह रहा था KKJ है, इससे आगे फिर कुछ थोड़ी देर चल के फिर आ जाता है चीना खान अपना, तो ये है मतलब सुनसान टाइप का रास्ता है, और डर जैसे लगी रहती है आने में, तो पता नहीं क्यों, एक तो मतलब मेन मंदिरों की डर रहती है, बाकी तो कुछ नहीं, पर ऊपर पेड़ पेड़ इतने अच्छे हैं ना, जब धूप होती तब बढ़ जाते हैं, ऊपर से आज का मौसम तो बहुत सही हो रहा है, धूप नहीं है, हल्की हल्की निकल ली ऊपर से, बादल हट रहे हैं तो दिक्कत ना हो। तो गाइस जो मेन चीज़ थी कि यहाँ बंदर नहीं थे, देखो इतना छोटा सा रास्ता है, उसमें अगर बंदर होते तो फिर परेशानी जाती है। पीपल के पेड़ में इतनी अच्छी छाया मिलती है ना, यहाँ क्या ही बताऊँ, नीचे यहाँ से दिखेगी रोड, ये देखो नीचे रोड दिख रही है, पेट्रोल पंप है, इसी रोड में हमको जाना है, हम जाएंगे और आगे से, क्योंकि पापा की जो शॉप है वो और आगे साइड को है, मतलब इस साइड नहीं है, इस साइड आगे साइड है, तो यहीं को जाएंगे हम। तो गाइस ये देखो दिख रही होगी तुमको मेन रोड, पहुंच गए हम, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, एक बैंड दूर है पापा का, जो ब्लू बिल्डिंग दिख रही है ना उसके सामने पे पापा की शॉप। चलो पहुँच गए अपनी मंजिल में, पर मोबाइल में पता नहीं गोंद जैसा क्या लग गया, मैं जेब में डाला, जेब में कुछ है तो नहीं, पर पता नहीं लग क्यों गया है गोंद जैसा, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी जाके पापा ने खोली है शॉप, जब मैं लाया कुछ नहीं, ब्लॉग बना रहा था मैं, ये देखो यहाँ जगह इतनी कम हो रही है ना, ये देखो इतनी जगह हो रही है, कर देते ना सही इसको, हैं इसको देखो, ये फ्रिज को पीछे खिसका देंगे है ना, और इनको पीछे सही से रख देंगे, इतनी जगह बन जाएगी, और यहाँ पे भी जगह हो जाएगी ना। तो वही बज गया है एक बज गया है दिन का, अब मैंने सोचा कि मैं शाम को ही जाऊँगा पापा के साथ, क्योंकि रुक गया हूँ इतनी देर, अब जाके घर जाके भी अकेले मन भी नहीं करता घर जाने का, ऊपर से करूँगा भी क्या घर जाके, तो मैंने कहा आज यहीं रह लेते हैं, तो सोचा कि यहाँ की थोड़ी साफ सफाई कर लेंगे। ये देखो जगह इतनी कम हो रखी ना, बिल्कुल भी इतनी सी जगह है, थोड़ी सी जगह है, पापा के लिए भी जगह नहीं हो पाती है। तो ये जो स्टैंड है इसको जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे लगा देंगे, ये फ्रिज को, जो फ्रिज है इसको और पीछे कर देंगे, पीछे गैप है जो सामान फालतू भरा है ना वो हट जाएगा, और इसको यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये जो कबाड़ टाइप का पीछे सामान है, कहाँ है, पीछे साइड है जो ये, इसको साइड पीछे डाल देंगे, जो फ्रिज है इसके पीछे जगह है ना, फ्रिज को पीछे करके और पीछे डाल देंगे, तो थोड़ी जगह जैसी बना सकते हैं, करें फिर करते हैं। तो पहले इसको सही करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा बनता है, बाकी धूल बहुत हो जाती है ना, यहाँ मेन रोड है, मेन रोड हाईवे, तो
गाड़ी चलते हैं धूल बहुत हो जाती है। NH नेशनल हाईवे ना। हाँ तो अब हाईवे हुआ तो मेन तो बाईपास भी हुआ है, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ यहीं से आती हैं। हाँ सभी गाड़ी से ट्रक वगैरह जितने हैं लोडेड सब यहीं से आते हैं। हाँ मतलब दिन भर गाड़ियाँ तो मतलब हमेशा जाना है दिन रात, तो धूल हो जाती है। धूल तो चले जो भी हम जगह बना सकते हैं यहाँ पे, आपने पूरा कंजस्टेड वो कर रखा ना, तो हम अच्छे से पीछे करके सही से रख के जगह बना सकते हैं, आपने सही से रखा नहीं है। आज मैंने मम्मी को बताया भी नहीं अभी कि मैं यहीं रुक रहा हूँ, मम्मी को फ़ोन करता पहले कि यहीं रुक रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही थी कि पहले मैं सोचा चार्ज कहाँ से मिलेगा, अभी पापा ने चार्ज का भी जुगाड़ कर दिया था, कोई बगल में मोबाइल की दुकान है पहचान की उन्होंने दे दिया था, अभी तो फिलहाल लाइट गई है तो इसके बाद चार्ज लगाऊंगा, पहले इसको सही करता हूँ। मम्मी को कॉल करके बताता हूँ कि मैं आज यहीं रुकने वाला हूँ रात तक। कितने बजे जाते हो आप घर? हाँ जो भी कितने भी जाओ हमको क्या करना। तो इसको सही करते हैं सबसे पहले। तो कहे सही बज रखा है, 3 बज गए और तब से साफ सफाई कर रहे हैं हम। मैं यहाँ का कबाड़ दिखाता हूँ कितना है। ये जो ट्रक है क्या कहते हैं क्रेट है ना जो, इससे बाप ने पहला एक दो बार का फेंक दिया है अभी, और दिखाता हूँ क्या हो रखा हाल है। ये देखो यहाँ का हाल, मतलब एक चीज़ अभी जगह नहीं बच रखी है। यहाँ तो पैर रखने को भी जगह नहीं है। ये देखो कैसा हो रखा है, मतलब इतनी मेरे पूरे कपड़े दिखाऊँ मैं, कपड़े देख के तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये देखो जीन्स देखो, ये जीन्स देखो, ऐसी मेरी शर्ट भी हो रखी है, ऐसी मेरा मुंह है टोपी सब हो रखी है। ये पूरा साफ़ किया, ये देखो पूरा पीछे कर दिया फ्रिज को, फ्रिज पीछे कर दिया, यहाँ का साफ़ सफाई करी, ये साफ़ सफाई करी, अभी कूड़ा इतने तक है, अभी बस इतना एरिया साफ़ हुआ है और हालत पूरी ख़राब हो गई है। इसको पूरा सही से रखना है और आधा कूड़ा है इसमें से, जगह तो होनी चाहिए, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। जो उसमें तो मैंने कहा कि चलो करते हैं, पर धूल इतनी ज़्यादा है, मतलब कितने साल हो गए इसको नहीं किए हुए? क्या ही बोलूं यार, बता नहीं सकता। पूरे जो नीचे दिख रहे हैं ना ये पूरा कूड़े के ऊपर है, जितनी भी सामान रखा है। अभी बहुत टाइम लगेगा इसको करते हैं यार, पहले सबसे पहले तो, वरना ऐसी रह जाएगा। थोड़ी बहुत जगह तो बनी होगी वैसे, यहाँ पे फ्रिज की बनी है और अभी देखते हैं कितनी बन सकती है, ज़्यादा तो बन नहीं पा रही कि सामान, ये तो कोई कढ़ाई है ना इतनी बड़ी बड़ी है, पहले से आप मिठाई भी बनाते थे उसकी कढ़ाई है, और ये है पूरा नीचे इसका, ये क्या कहते हैं तो चूल्हा ना, चूल्हा हो गया, सामान वामान ये सब बहुत है बड़े बड़े, ये तो उठाई भी नहीं जा रही। तो इस ऐसे देखते हैं कितनी जगह बन पाती है कितनी नहीं बनती है। तो गाइस अभी हो गया 5:30 सुबह से, जब से मैं आया हूँ तब से लगा हूँ साफ़ सफाई करने में, मतलब साफ़ सफाई तो हो गई मतलब फाइनली, पर मेरे हाथ देखो, हाथ की ये दशा, कपड़ों की ये दशा, इतने काले, मतलब मैं मोबाइल रख रहा था ना 2 मिनट के लिए, मोबाइल रखा 2 मिनट में इतनी पूरी फुल धूल जम जा रही थी मोबाइल में, फिर उसके बाद साफ़ किया भी 2 मिनट, फिर रखा फिर से धूल, फिर से बार बार धूल जम जा रही थी। और मतलब मैंने स्पेस तो फिर भी बना दिया काफ़ी, जितना बन सकता था उतना बना है, हर चीज़ ट्राई कर ली जितना मतलब बन सक, इससे ज़्यादा नहीं बन सक रहा था स्पेस तो इतना बना है। ये स्टैंड तो यहीं पर लगा रखा हमने, और यहाँ पर ये देखो ये स्टूल यहाँ तक आ रहा था, यहाँ पर स्टूल लगाया था जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, वो स्टूल यहाँ तक आ रहा था। और मैं दिखाता हूँ देखो, ये फ्रिज है जो ये स्टूल तक आ रहा था, तो हमने पीछे पूरा साफ़ किया और ये फ्रिज पूरा पीछे चले गया जितना पीछे आ सकता था, और ये हमने मतलब ऐसे लगा दिया इस पर, मतलब पूरा कंजस्टेड मतलब एक वो टाइप का कर दिया, सेपरेट टाइप का कर दिया है ना, और यहाँ पे आराम से इतनी जगह बच गई है, काफ़ी जगह बच गई है, इतनी पूरी इतनी जगह तो मतलब ही नहीं था, जितना स्टूल आया ना इसकी सीध में यहाँ तक का पूरा भरा था, पापा के लिए इतनी सी जगह बच पा रही थी इतनी सी। तो ये चीज़ है, अब काफ़ी जगह बन गई है यहाँ पे, मतलब देखो पूरा खुला हो गया है, पापा कुछ अलग ही नहीं हो गया एकदम, ये मतलब कहाँ आप चाबी भूले घर में और कहाँ क्या से क्या हो गया, होनी होगी। हाँ यार ये चीज़ है, पापा कब सोचे थे इसको करने करने की, तो पापा ने मेरे से एक बार भी नहीं कहा, मैंने कहा पापा सही करते हैं, पापा ने कहा ठीक है, मैंने पापा हमेशा मना करते हैं इतने धूप हो रही और कपड़े गंदे जाएंगे इस ऐसे, पापा ने कुछ नहीं कहा, तो हमने फटाफट कर दिया था, मिल के कर दिया था, पर ज़्यादा मेरा योगदान है ना पापा। तो फटाफट सब साफ़ हो गया आज, पूरी पूरी दुकान साफ़ पूरी अच्छे से, एक एक कोना साफ़ कर दिया, सालों से नहीं हुआ था सालों से। तो अभी बज गए 8, अभी पापा दुकान को क्लोज कर रहे हैं, पहले एक काउंटर है ना इसको अंदर करना पड़ता है, ये आधा बाहर लगा है, मतलब बाहर ईंट वीट लगे ना उसके ऊपर है आधा, आधा अंदर है। तो अभी तो काफ़ी जगह दिख रही है ना पापा आज, सही अलग सा लग रहा होगा ना थोड़ा, देखो अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी लाइट बहुत सी लगे, दो लाइट लगी, अच्छा लग रहा है अभी देखो पीछे जगह, पहले से मैं क्या करता था याद है आपको, काउंटर में बैठता था जब काउंटर करते थे,
रितिका भी बैठती है ना सर, ये काउंटर है ना इसके ऊपर बैठते थे, फिर बाबा अंदर खिसकाते थे याद है ना, दिन में भी बैठते थे, दिन में भी यहाँ बैठ रहते थे, मजा आता था वैसे जब छोटे थे ना, काउंटर बैठेंगे जब बाबा खिसकाएंगे फट बैठ जाएंगे। तो अभी 8:30 हो गया है, अभी हम आ गए हैं वहाँ से दुकान बंद बंद करके, थोड़ा बहुत सामान लिया था वो भी ले लिया है। हाँ ये सामान आ गया क्या पापा, ये सामान आ गया क्या, ये मेले का, मेले वाले का सामान, ये देखो मेले का सामान आ गया, चंदन फेस पाउडर ये सब सब आ गया ना मेले का। कब है मेला आने लगे, एक दो दो घंटे भी कब दस से ऐसे, तो कुछ दिनों में ही मेला स्टार्ट होने वाला है, पापा तो शायद 10 से कह रहे, पता नहीं कब से, आप जब से भी होगा देखा जाएगा, कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा मेला भी। आज मंगलवार है इसलिए जो ऊपर हनुमान जी का मंदिर है नंदा जी के पास पे भजना जन लगे वहाँ तगड़े से एकदम। बज गया 9, अभी घर आ गए हैं, अभी मम्मी बना रही है ऑरेंज जूस। मैं ये चीज 3 बार बोल चुका पता तुम्हें, 3 बार, 2 बार इससे पहले क्लिप बनाई है, 3री बार बोला मैंने, वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, मतलब स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कह रहा है कि एटलीस्ट मतलब 100 MB हटाओ कम से कम, आप इस मतलब 100 MB का कुछ डिलीट करो, इतना गुस्सा आ रहा है। मैं 3 बार वही चीज़, इतना अच्छे खासे मतलब बातचीत हुई थी हमारी घर में मम्मी से, मैंने इतना सब शूट किया था, अब वही चीज़ दोबारा तो शूट नहीं हो सकता ना, तो क्या करें, तो यही चीज़ है, 3 बार शूट किया मैंने मम्मी को, मम्मी जैसे मैं घर पहुँचा मम्मी मेरे को बता रही थी कि तू काउंटर पर बैठता था अंदर, पापा खिसकाते थे काउंटर में बैठ जाता था, है मम्मी मैं काउंटर में बैठ जाता था 3 बार बोल दिया है मैंने ये चीज, अब बन जाएगी सर, मैंने थोड़ा स्पेस बनाएगा, मम्मी को बता रही थी कि काउंटर में बैठ जाते थे छोटे थे तो तुम काउंटर बैठते थे, वही मैंने पहले तुमको ही बताया था, मेरे को मम्मी को भी याद थी। और एक चीज और मैंने मम्मी कह रही कि तू दुकान में कैसे बैठा, वहां जगह ही नहीं थी, तू तो इतना लंबा, मम्मी कह रही मेरी कोई जगह लगती थी ना, जगह पर नहीं हो रही थी, जगह नहीं बैठती कह रही थी, तो मैंने कहा हम सब साफ करके, मैंने कहा जहां हम जाते हैं वहां जगह बन जाती है, हम बना देते हैं, तो वहां सब साफ साफ करके आया, मम्मी को बताया मैंने, अगर इस बार भी क्लिप ना बने ना फिर मैं नहीं बनाने वाला, दोबारा नहीं बोलती ये चीज, हम आते आते बोल तो रहा था उस समय से, शूट करे जा रहा हूँ, शूट करे जा रहा हूँ, 2-3 मिनट बोले जा रहा हूँ, बाद में देख रहा हूँ क्लिप ही नहीं हुई है, मैंने चलो कोई नहीं दोबारा बनाते, फिर भी नहीं हुई, अभी 3री बार बना रहा हूँ, अगर नहीं हुई तो ठीक है, पानी तो पीते थे, चल बना जूस, बना तो जूस पीएंगे, हाथ पैर धोले मजा आ जाएगा, अब तो ये पैर ऐसे हो गए ना, मैं तुमको दिखाई नहीं सकता, दिखा देता हूँ, क्या दिखाऊँ, पूरे काले मुँह तो मैंने, चलो हाथ मुँह तो मैंने धो लिए थे वहीं, अभी भी कालापन नहीं गया, बहुत काला हो गया था मेरे हाथ, इतना गंदगी, इतनी धूल है ना, फिर से वो 2-3 दिन में फिर धूल बैठ जाएगी वहाँ, मतलब गाड़ी चलती है मेन हाईवे है ना, तो वो चीज़ें फटाफट हाथ में होता हूँ अच्छे से, नहाने का तो एक बिल्कुल मूड नहीं है, गर्म भी नहीं, नहा नहीं रहा हूँ, हाथ में धो रहा हूँ अभी, पी रहा हूँ पहले, पी रहा हूँ फिर हाथ में धोता हूँ, बढ़िया था फ्रेश होता हूँ अच्छे से। तो 11 बजे डिनर हो गया है, अब इसके बाद एडिटिंग मैंने आधी कर दी है, थोड़ी बहुत बची है, दुकान में मैं क्लिप्स जोड़ते रहा था, एडिटिंग करते रहा था, थोड़ी बहुत बची है उसको करके पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि सुबह दिक्कत रहती है ना पोस्ट की, तो अब इस व्लॉग को करता हूँ एंड, आशा करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, और कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा, क्या पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कुछ सजेशन हो तो वो भी तुम देख सकते हो, वो भी तुम कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, तो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है बहुत से लोगों ने, 45% लोग अभी तक मतलब वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, दबा देना इसको, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पे, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। I'm feeling bad.